टीवी शोज में आपने देखा होगा, घर में खुशियां बच्चों के आने से ही आती हैं। टीवी के कई ऑन स्क्रीन परिवार तब संपन्न हुए जब घर में एक नन्हा मेहमान आया, और ऐसे ही हमारे टीवी इंडस्ट्री में कई रियल हैप्पी कपल्स देखने को मिले हैं, जिनके परिवार में खुशहाली तो थी पर लंबे वक्त से उन्हें पेरेंट्स बनने का सौभाग्य नहीं मिला। पर साल 2022 उनके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आया, क्योंकि साल 2022 में बहुत सालों बाद माता पिता जो बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से सितारे हैं जिन्हें सालों बाद माता पिता बनने का सुख प्राप्त हुआ है? तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उन्हीं सितारों के बारे में। नंबर 1, अपूर्व अग्निहोत्री और शिल्पा सकलानी। बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री में अपना जलवा बिखेरने वाले अभिनेता अपूर्व अग्निहोत्री और एक्ट्रेस शिल्पा सकलानी के घर में 18 साल बाद नन्ही परी ने जन्म लिया है। वहीं अपूर्व अग्निहोत्री ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए हाल ही में अपने एक पोस्ट के थ्रू बताया था कि उनके घर में एक छोटी सी गुड़िया रानी आई है। नंबर 2, धीरज धूपर और विन्नी अरोरा। अभिनेता धीरज धूपर और विन्नी अरोरा ने इसी साल अपने फैंस को गुड न्यूज दी थी। बता दे कि दोनों ने अगस्त के महीने में माता पिता बने थे। जी हाँ, विन्नी अरोरा ने एक बेटे को जन्म दिया था और इनकी शादी के सालों बाद इनके घर में किलकारी गुंजी है। नंबर 3, भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया भी शादी के सालों बाद माता पिता बने हैं। जी हाँ, बता दे भारती ने अप्रैल के महीने में एक राजकुमार को जन्म दिया था, जिन्हें ये प्यार से गोला बुलाती है। नंबर 4, गुरमीत चौधरी और देबीना बनर्जी। अभिनेता गुरमीत चौधरी और देबीना बनर्जी ने अप्रैल के महीने में एक प्यारी सी बेटी के माता पिता बने थे, पर फिर से इनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी है। जी हाँ, नवंबर के महीने में देबीना ने एक परी को जन्म दिया है और अब इनके घर में तो डबल खुशी आई है, वो भी शादी के 11 साल बाद। नंबर 5, पूजा बनर्जी और संदीप सेजवाल। कुमकुम भाग्य सीरियल में काम करके मशहूर हो चुकी अभिनेत्री पूजा बनर्जी और संदीप सेजवाल के साल 2022 में एक बेटी के माता पिता बने हैं। वहीं पूजा बनर्जी अक्सर अपनी लाडली बेटी की फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती है, पर जब से इनके घर में इनकी बेटी ने जन्म लिया है तब से तो इनके घर में डबल खुशी आ गई है। नंबर 6, कृतिका सेंगर और निकेतन धीर। अभिनेत्री कृतिका सेंगर और निकेतन धीर के घर भी इसी साल किलकारी गुंजी है। जी हां, शादी के 8 साल बाद कृतिका सेंगर और निकेतन धीर माता पिता बने हैं। बता दे कृतिका ने एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था और आज ये अपनी बेटी के साथ अपनी लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय कर रही है। नंबर 7, रुचा हसनबीस। साथ निभाना साथिया सीरियल में राशि के किरदार को निभाकर मशहूर हो चुकी अभिनेत्री रुचा हसनबीस ने साल 2019 में एक बेबी बॉय को जन्म दिया। अब साल 2022 में रुचा हसनबीस ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है और अब तो इनका परिवार पूरा हो गया है, क्योंकि अब इनकी एक बेटी और एक बेटा भी है। दोस्तों, आप इन सितारों के सालों बाद पेरेंट्स बनने पर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।